Hello students, welcome back to our YouTube channel Alar Academy. आज हम class 4th E.V.S के अंदर chapter number 2nd and extended family का part 4 करेंगे, ठीक है? कल हमने part 3 के अंदर इस chapter की exercise की थी, आज हम इस chapter के कुछ word meanings से करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. चलिए देखते हैं वर्ड मीनिंग्स. तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है इसका एक्साइटमेंट. ओके, एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? उत्साह. क्या होता है? उत्साह, ठीक है. सेकंड वर्ड मीनिंग हमारा रिजेंबल्स. रिजेंबल्स का मतलब होता है जैसे दिखता है. रिजेंबल्स का मतलब क्या होता है? जैसा दिखता है. जैसा दिखता का मतलब क्या है? अगर कोई पेरेंट्स है, ठीक है, उसका बच्चा उसमें, मतलब कि कोई भी बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के अंदर रिजेंबल करता है, ठीक है. मतलब वो बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देता है, पेरेंट्स के जैसा दिखता है, ठीक है. इसी वजह से रिजेंबल्स का मतलब क्या होता है? जैसा दिखता है, ठीक है. इसके बाद इससे अगला है न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है? छोटा परिवार. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है? छोटा परिवार. जैसे हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो स्मॉल फैमिली होती है उसको हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं. ओके, तो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है? छोटा परिवार. ओके, न्यूक्लियर फैमिली के बाद हमारे पास है रिलेटिव्स. रिलेटिव्स क्या होते हैं? रिश्तेदार, ठीक है, जो हमें किसी भी त्यौहार पर, किसी भी ओकेजन के ऊपर हमें हमारे साथ मिलने आते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिलेटिव्स कहते हैं, ठीक है. रिलेटिव्स क्या हो गए? रिश्तेदार. ओके, रिलेटिव्स के बाद आते हैं हमारे पास कज़न. कज़न क्या होते हैं? चचेरे भाई बहन. कज़न क्या होते हैं? चचेरे भाई बहन. कज़न क्या होते हैं? वो जो हमारे अंकल के सन या फिर डॉटर हैं. हमारे अंकल का कोई भी सन या फिर डॉटर है, बेटा या बेटी है, उसको हम कज़न कहते हैं, ठीक है. चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन. ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं रिसेंटली. रिसेंटली क्या होते हैं? ताज़ा. रिसेंटली होता है जो कुछ भी, कोई भी काम हो वो अभी अभी हुआ हो, तुरंत हुआ हो, कुछ एक दो दिन पहले हुआ हो, हाल फिलहाल के अंदर जो हुआ हो उसे हम कहते हैं रिसेंटली, ताज़ा. ओके, रिसेंटली के बाद हमारे पास आते हैं वेडिंग. वेडिंग क्या होती है? वेडिंग होती है शादी, मैरिज. किसी की शादी जो होती, विवाह जो होता उसे हम क्या कहते हैं? वेडिंग कहते हैं, शादी कहते हैं, ठीक है. फिर आता है डिलीशियस. डिलीशियस क्या होता है? स्वादिष्ट. मतलब कोई चीज़ हो, मतलब बहुत अच्छी बनी हो, कोई भी खाना है, कोई भी चीज़ बहुत अच्छी बनी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? डिलीशियस, स्वादिष्ट, स्वाद अनुसार. ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं इन्जॉय. इन्जॉय क्या होता है? आनंद लेना. इन्जॉय क्या होता है? आनंद लेना. मतलब किसी चीज़ का हम पूरे भरपूर मज़े ले रहे हैं, किसी चीज़ को हम इन्जॉय कर रहे हैं, उत्साह के साथ इन्जॉय कर रहे हैं उसको, ठीक है, आनंद ले रहे हैं. ओके, इसके बाद होते हैं ब्राइड. ब्राइड क्या होती है? दुल्हन. दुल्हन को हम किस नाम, क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर? ब्राइड कहते हैं. ओके, इसके बाद हमारे पास आता है फेस्टिवल. फेस्टिवल क्या होते हैं? त्यौहार, ठीक है. जैसे होली हो गए, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ये सभी क्या हमारे फेस्टिवल्स हैं. क्या हैं? फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं. ओके, इसके बाद आते हैं हमारे पास टुगेदर. टुगेदर का मतलब क्या होते हैं? साथ में, ठीक है. टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ रहने वाला. टुगेदर, साथ में, ठीक है. इसके बाद आते हैं ओकेजन. ओकेजन क्या होते हैं? अवसर. ओकेजन क्या होते हैं? अवसर, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रेंथन. स्ट्रेंथन क्या होते हैं? मजबूत बनाना. किसी चीज़ को मजबूत बनाना, कठोर बनाना, उसको हम क्या कहते हैं? किसी चीज़ का पावर ऐड करना, को शक्ति देना, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेंथन कहेंगे. ओके, ठीक है. तो आज यहाँ पर आपके जो ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है जो एक्सटेंडेड फैमिली, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है. इसके अंदर हमने इनकी सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, ठीक है. इसका आज हमने वर्ड मीनिंग कर लिए. लास्ट क्लास के अंदर हमने इसकी एक्सरसाइज की थी, उससे पहले हमने इसके चैप्टर को कंप्लीट किया था, ठीक है. कोई भी फैमिली होते हम क्या पढ़ाते हैं इसके अंदर?
कोई भी जो फैमिली होती है उसके अंदर उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ठीक है। जो छोटी फैमिली होती है उसको हम स्मॉल फैमिली कहते हैं, स्मॉल फैमिली का दूसरा नाम न्यूक्लियर फैमिली होता है, ठीक है। जिसमें चार मेंबर्स होते हैं उसे हम स्मॉल फैमिली कहते हैं, जिसमें चार या चार से ज़्यादा जो मेंबर्स हो जाते हैं, चार से ज़्यादा जिस फैमिली के अंदर मेंबर्स हो जाते हैं उसे हम लार्ज फैमिली कहते हैं, ठीक है। कोई भी फैमिली जिसके अंदर दो या तीन पीढ़ी रहती हैं, ठीक है, जनरेशंस रहती हैं, ठीक है, जैसे दादा दादी, अंकल आंटी, मम्मी पापा, भाई बहन, कज़न, चचेरा भाई, चचेरी बहन, ये सभी जिस फैमिली के अंदर रहते हैं, ठीक है, एक साथ जब रहते हैं तो उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। ओके, हम कोई भी फेस्टिवल होता है वहाँ पर हम क्या है, सभी जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सभी क्या है, एक साथ मिलते हैं उस समय, ठीक है। वो सब उस टाइम अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, डिलीशियस फूड खाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, बहुत इन्जॉय करते हैं हम अपने रिलेटिव्स के साथ। थे फिर लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हम अपने रिलेटिव्स के साथ लगातार टच में रह सकते हैं, ठीक है। कैसे रह सकते हैं, हम उनको मैसेज कर सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी बर्थडे के ऊपर या फिर किसी भी फंक्शन के ऊपर हम उनको ग्रीटिंग कार्ड भी भेज सकते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों से क्या होते हैं कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हमारे रिलेटिव्स हैं वो सभी क्या हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। इससे क्या मिलते हैं, हमारा जितना भी परिवार है पूरे रिलेटिव सभी क्या हैं, एक साथ बंधे जाते हैं, कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाता, ठीक है। तो आज आप लोगों का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जर्नी ऑफ ए फूड, ठीक है। जर्नी ऑफ फूड की जर्नी होती है वो क्या कैसे होती है, वो सभी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर शुरू करेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।